श्री गणेशन पितृपक्ष का अर्थ क्या है? अभी सितंबर महीना 17 तारीख से पितृपक्ष चलेंगे, ये 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु के पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। भगवान विष्णु का अर्थ होता है विष्णु सहस्त्र नाम, पितृ का अर्थ होता है आपके पूर्वजों ने जाने अनजाने में जैसा भी कर्म किया, इसी कारण उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, इस धरती पे हैं, भटक रहे हैं। तो उन्हें सुरक्षा देने के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। आज जितने भी मानव आज दुख संकट समस्या में हो, यह आपके साथ पितृदोष चल रहा है। पितृदोष का वास होता है मानव के मुख में, मुख के अंदर, हाथों में, मस्तक पे और आंख में, 4 जगह पे पितृदोष का वास होता है। यही कारण से मानव के मुख से कभी मंत्र उच्चारण नहीं होते, हाथों से कभी शिवलिंग में जल नहीं चढ़ पाते, हाथों से कभी दान नहीं देते, हाथों से कभी यज्ञ नहीं करवा पाते या यज्ञ में कुछ दे भी नहीं सकते। मस्तक भ्रमित हो जाता है, घर कला शुरुआत, आंख भ्रमित हो जाता है, तो जीवन भर इंसान भटकता ही रहता है। अभी पितृपक्ष आ रहे हैं, जिसके पास जैसा पैसा हो अब सिस्टम से कार्य की। नंबर 1, अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में 1 लोटा जल के अंदर काला राशि और जो डाल के अगरबत्ती लेके शिव जी को चढ़ा, अगरबत्ती जलाना है। यह जो अगरबत्ती दिखाया मैंने, यह जलाना है। अगरबत्ती में बहुत शक्ति रहते हैं, वायु तत्व है। यह नंबर 1 हो गया, यह आप कीजिए। और थोड़ा पैसा अगर हो तो पितृपक्ष में आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, या 16 दिन। नंबर 2, नंबर 3, और पैसा है 1 किलो 250 ग्राम, अर्थात 1.25 किलो अगरबत्ती एक ही साथ एक ही दिन में जला दी। उसके बाद अगर पैसा हो तो पितृपक्ष में रुद्राभिषेक नमक चमक अपने ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से जरूर की, रुद्राभिषेक नमक चमक। और पैसा हो तो पितृपक्ष में अपने से विष्णु सहस्त्र नाम का हवन करवाएं, या कहीं विष्णु का यज्ञ होता हो तो गोटा हल्दी दीजिए, क्योंकि पितृपक्ष है, भगवान विष्णु का पक्ष है, पितृ देवता के मालिक भगवान विष्णु है, लेकिन आपके रक्षक भगवान शिव जी हैं, इसीलिए मैंने शिव जी को भी कहा है। पितृ देवता के शरीर को मोक्ष देते हैं भगवान विष्णु, आत्मा को स्वर्ग देते हैं शिवलिंग। यज्ञ करवाएं, यज्ञ कहीं होता हो तो हल्दी दीजिए, और
देखिए, हमने हर नंबर के बाद और कहा है, सब करना जरूरी नहीं है जिसके पास जैसा पैसा। लेमन, नींबू, थोड़ा सरसों तेल लगा के शिव मंदिर शिवलिंग ले जाएं, सुबह हो शाम को जैसे भी, और वहां 108 से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा। उसमें थोड़ा काला राशि, कौड़ा राशि और जगोधान और लेमन। लेमन का काम क्या है? आप गाड़ी लाते हैं ना, पहले लेमन देते हैं गाड़ी में कि कोई संकट हो गाड़ी के ऊपर तो निवारण हो, तो परिवार के को ऊपर कोई संकट हो तो निवारण लेमन करते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल के बारे में बोलूंगा आपको तो आप जो है खर्च कर नहीं पाएंगे। आज सुबह ही दिल्ली से एक मैसेज आया, दिल्ली मुनर का या क्या नाम है, रोशनी टोकास जी का, कि मित्तल जी ओडिशा में अगले महीना हमारे त्रिशूल का पूजन करवा देना। और त्रिशूल में हर किसी को त्रिशूल का पूजन करना पड़ेगा, कोई 2 दिन आगे कोई 2 दिन। पितृ दोष जड़ से निवारण कीजिए, नहीं तो पितृ दोष श्रापित में बदल जाएगा। जितने भी परिवार के अंदर अकाल मृत्यु हुए हैं वह परिवार पितृ दोष से श्रापित में परिवर्तन हो चुके हैं। पितृ दोष इंसान के शरीर में बीमारी डाल देता है और वह बीमार के कारण इंसान मर जाता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि कोई भी घर में बीमार हो तो उनके नाम से वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक नमक चमक जरूर करो। आपको याद होगा जब इस पृथ्वी धरती पे मंदिर नहीं थे तो यज्ञ के माध्यम से ही सब मनोकामना पूर्ण होते थे। यज्ञ श्रेष्ठ है। आज शहरों में यज्ञ नहीं होते और यही कारण से सबसे ज्यादा शहर के लोग दुख भोग रहे हैं, सबसे ज्यादा गांव के लोग दुख भोग रहे हैं, क्योंकि यज्ञ बंद हो गए। जितने भी मंदिर प्रतिष्ठा हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ से ही होते हैं। यज्ञ सुप्रीम पावर है। आज आपका उम्र 24 वर्ष का होगा मान लीजिए, तो मेरे 24 वर्ष के उम्र में मेरे शहर में यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ के मुख्य आचार्य थे आनंद रथ जी, आनंद रथ। नवरात्रि का यज्ञ था तो एक जगह पे मंदिर बनना था, देवी दुर्गा माँ का मंदिर बन नहीं पा रहा था, तो जमींदाता रामू अग्रवाल, रामू छूटा मेरे को कई बार बुलाए, यहाँ मंदिर नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा एक यज्ञ करवाते। रामू छूटा के बुलावा पे मैं गया था उस मंदिर, क्योंकि जमींदाता रामू छूटा, रामू अग्रवाल स्वर्गीय हो गए हैं अभी तो। वहां जैसे यज्ञ 9 दिन चला तो मैं बहुत पीछे रहता था। 24 वर्ष की उम्र में यह समय था 94, 1994। तो यज्ञ अग्नि से माँ भवानी दुर्गा देवी के दो हाथ निकले, मैं पीछे बैठा था, बेटा आओ। तो जब हाथ मेरा पकड़े तो मैं हाथ जोड़ के बोला माँ, तो बोले कि बेटा इस नवरात्र अग्नि में हाथ रख के बोलो। उम्र कम था, 24 वर्ष था। आज जो 24 वर्ष के बेटा बेटी हो मुझे जरा देख लीजिए। मंगला देवी क्या बोलना है? बोला बोलो कि यह दुर्गा देवी का मंदिर पूर्ण मेरे द्वारा ही होगा। मंगला देवी दुर्गा बनाएगा कौन? दुर्गा देवी बोली मैं स्वयं बनाऊंगी। अब तू हाथ रख यज्ञ अग्नि में। मैंने हाथ रखा था 24 वर्ष के सिंगा, जो जानते हो सबसे बड़ा अगर दुर्गा मंदिर आपको दिख जाए तो माँ दुर्गा के द्वारा मेरे माध्यम से बना है 24 वर्ष की उम्र।
मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ 96, मुख्य आचार्य अग्नि शिखा जी महाराज प्रतिष्ठा करने आए, बोले ये गुंबज को ऊपर झंडा उसी के हाथ से ही लगेगा जिसने ये मंदिर बनाया है। तो मैं तब नहीं जानता था अग्नि शिखा जी को, तो अग्नि शिखा जी पूछे किसने बनाया है ये मंदिर, इतना बड़ा देवी का मंदिर। तो लोगों ने कहा कि यह सुनील ने बनाया है। तो बाबा बोले सुनील इधर आ और जा झंडा लगा के आ। तो ध्वज जो है पहला ध्वज माँ दुर्गा का मेरे हाथ से। तो 24 वर्ष की उम्र में मैं इस रास्ते पे हूं और उसी भव्य के सिंगा दुर्गा मंदिर में मैं 6 वर्ष था और वहीं से मेरे को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। तो आपके कोई भी पूर्वज स्वर्गलोक नहीं गए हैं, आपको यह शास्त्री धोखा दे रहे हैं पितृ देवता के नाम से। पितृ दोष के कारण घर में पैसा आना बंद हो जाता है, घर कलह शुरुआत, विवाह में विलंब, बीमारी शुरुआत, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके मस्तक पर पितृ दोष भर जाता है, घर कलह, अकारण मृत्यु होते हैं घरों में, चाहे बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मां के गर्भ में, इंसान का जीवन जानवरों की तरह हो जाता है, घर कलह शुरुआत। तो किसी भी दान से ये नहीं छूटते। और जो पंडित बोल रहे हैं ना दुर्गा सप्तशती का शुद्ध उच्चारण, कोई शुद्ध उच्चारण नहीं है पंडित जी, यही तो है ना दुर्गा सप्तशती। यह दुर्गा देवी स्वयं मुझे ट्रेनिंग दी है और केसिंगा में जो दुर्गा देवी का मंदिर बना है, 6 वर्ष मैं था वहां पे, उम्र कम था, कभी मैं लोगों को बोलता नहीं था। आज से 30 वर्ष पहले आज जिनका उम्र 30 वर्ष है उन्हें भी वह मंदिर का इतिहास नहीं मालूम, मुझे ही दुर्गा देवी सिलेक्ट की थी, माध्यम मुझे बनाई। और जो 94 के जो हैं वहां कोई सदस्य अगर होगा तो उनसे पूछिए यज्ञ अग्नि में हाथ देने वाला यही व्यक्ति 24 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष रहा हूं और उसी देवी से 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त। इसमें 5वां अध्याय से आप देखिए 13 अध्याय तक सरस्वती प्रत्यर्थ शिवलिंग से सरस्वती उत्पत्ति होते हैं, शिवलिंग से। इसका लॉक जो है रुद्राभिषेक नमक चमक से खुलेंगे 5वां से 13 अध्याय। भयंकर भयानक पितृदोष इंसान को लग चुका है, वह पितृदोष श्रापित बन चुका है। आज आप जीवित हो 3 कार्य जरूर कीजिए। आपके 10,000 वर्ष पूर्व पितृ के कर्म को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, नंबर 1 आसाम जाइए, कामाख्या देवी कभी भी मंदिर में प्रवेश कीजिए, बोले माँ हमारे शरीर में आत्म सुरक्षा कवच अथवा देव कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए, मंदिर से बाहर निकल के एक बार पाठ कर लीजिए, तुरंत वह मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। और वर्ल्ड में कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक नमक तमक चलता हो अपना नाम जरूर शामिल कीजिए। अभी 2024 शिव जी के आदर्श आशीर्वाद से मेरे माध्यम से समरपुर के नजदीक बरगढ़ में 600 रुद्राभिषेक नमक तमक से ज्यादा हुए हैं और आज भी चल रहे हैं हमारे प्लानिंग अनुष्ठान के। तो उस रुद्राभिषेक नमक तमक में मैं उपस्थित नहीं था, मेरा नाम था वहां, मुझे काम करता है। अभी 21 सितंबर को हमारे 24 घंटा अखंड आमापाली शिव मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान चलेंगे। एक कुंडीय यज्ञ का अर्थ होता है ये स्वाहा, यज्ञ का अर्थ होती स्वाहा स्वाहा, नामो यज्ञ ने मान्यता नहीं आमो हिंदू सनातन धर्म में। पूर्व पुरुषांक कर्म समस्त भोग करते, एक बार कामाख्या देवी जाके आ गए, उसके बाद रुद्राभिषेक नमक चमक अपने से करवाए, मेरे से जिसको शामिल होना हो अपने आप
शिव जी पकड़ के ले आएंगे उसको। और कहीं भी विष्णु यज्ञ होता आप कुछ भी देते रहे अगर ना भी जा सको या अपने से विष्णु का यज्ञ करना। दुर्गा सप्तशती से आशीर्वाद लेना बहुत आसान है, दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करना, दुर्गा देवी को सिद्ध करना, नंगा जो तलवार होता है ना, तलवार के धार के ऊपर जिसका चलने का ताकत हो उसी को सिद्धि मिलता है। वही सिद्धि मुझे 2001 को मिली, मेरे ईमानदारी के कारण मुझे वरदान मिला। हम जिस घर में रहते थे वह नाग फांस से बंधन था, हमारे जन्म से पहले हमारे सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य को हमारे एक दूर के रिश्तेदार ने बंधन बांध दिया। दुर्गा सप्तशती, आप वर्ल्ड के जितने भी दुर्गा देवी मंदिर कमेटी हो एक एक अक्षर पढ़ लीजिए, यहाँ लास्ट पेज में 30 संपुट हैं। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्व से आचार्य देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा, विपत्ति नाश के लिए, शुभ प्राप्ति के लिए, शुभ फल प्राप्ति के लिए, करो तुषाण सुभ सुभाने भद्राणी भयंत चापदा भय नाश के सर्व 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 समते देवी के मैं मंदिर में था, मैं बोला माँ मैं तो रसगुल्ला पेड़ा तो चढ़ा नहीं सकता, तो दुर्गा देवी हंसने लगती, रात को मूर्ति से निकलती नू करती हाथ, सुन लो 94 कमिटी वाले चौधरी को दुर्गा के हाथ में एक स्तंभन विद्या है, स्तंभन राक्षसी शक्तियों को दुर्गा मंत्रों के शक्ति से स्तंभन कर दे, पत्थर बना दे। आज दुर्गा देवी के मंदिर से जो खिलवाड़ करते हैं वर्ल्ड के अंदर हम कथा कहते हैं, उसे दुर्गा देवी वह मेंबर सदस्य पोप को स्तंभन कर दे, स्तंभन विद्या है। 94 डायरेक्ट दुर्गा देवी से बात करता था आज भी, धन कमाने के लिए मैंने ये वस्त्र धारण नहीं की। जितने भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर आप प्रवचन के पथ पे चल रहे हो, आपका जो चिंतन है प्रवचन सुनेंगे गुरुदेव धन का आशीर्वाद गुरुदेव, आपको पितृदोष लगा है और पितृदोष ऑलरेडी स्थापित में कन्वर्ट हो गया है। यज्ञ के पथ पे चले, रुद्राभिषेक नमक चमक के पथ पे चले, ये कुछ शास्त्री बोलते हैं सभी देवी देवता एक हैं, सभी भगवान एक हैं। शास्त्री जी मस्तक खोल लीजिए, आपका मस्तक स्तंभन है। अग्रवाल का बेटा मुझे कैसे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि, आप लोग शुद्ध उच्चारण करते आपको क्यों नहीं मिला। हम तो बचपन में भी बोलते थे कि दुर्गा से मत खेलो, दुर्गा से मत खेलो, दुर्गा से मजाक मत करो, दुर्गा कभी भी किसी भी सदस्य को पदाधिकारी को स्तंभन कर दे। स्तंभन का अर्थ है उसका जीवन वहीं रुक जाए, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा।
हमने तो अनेक प्रवचनों में कहा आवारा कुत्ता को जितना हो ज्यादा खाने के लिए दीजिए, आप जीवन से हार चुके हो। हम तो एक ही चीज कहेंगे, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति अगर है तो आप फेल हो, ओनली पैसा के लिए आप धर्म कर्म कीजिए, ओनली पैसा, उसके बाद ऐसा ऐसा सिद्धि आपको करवा दूंगा पैसा आने के बाद। दुर्गा देवी से चमत्कार हो जाएगा आपके पितृ दोष कोई पंडित छुड़ा ही नहीं सकता। कोई चैलेंज करे तो आए मेरे साथ। पंडित जी 24 वर्ष की उम्र में मेरे गांव में जो मंदिर है ना मेरे माध्यम से बना हुआ है, वहां का रिकॉर्ड जाके देखिए, जितने भी पैसे खर्चे हुए हैं, खर्चे का भाउचर बनता था, सभी भाउचर में मेरा सिग्नेचर। वर्ल्ड के किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में मैं आज तक सदस्य नहीं हूं, और वह केसिंगा मंदिर में भी मैं सदस्य तक नहीं हूं। मैं हमेशा स्वाभिमानी स्वाभिमानता के साथ रहता हूं। आपको जैसा भी सिद्धि चाहिए, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए और रुद्राभिषेक नमक चमक और विष्णु के पद पे चाहिए। जीवन से जो हार चुके हो मेरे से जुड़िए। श्रद्धा से सिद्धि प्राप्त नहीं होता। मेरे मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उपवास नहीं है, व्रत नहीं है। मुझे दुर्गा सप्तशती यह कल्प वृक्ष है। हमने तो बचपन में कहा था दुर्गा से मत खेलो, दुर्गा से खेलोगे जीवन बर्बाद हो जाए। यह आदि शक्ति है, जगत जननी है, राज राजेश्वर। आज भी मैं दुर्गा देवी के मंदिर में कभी कभी जाता हूं, हे भवानी भवानी दया करना, मेरा रक्षा करना, मेरे भाइयों के परिवार का रक्षा, मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका रक्षा। आज भी क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्ट दुर्गा से बात, हम मुझे तो ईमानदारी का पुरस्कार मिला है, वही केसिंगा दुर्गा देवी। एक एक अक्षर पढ़ता था, श्रुणु देवी प्रवक्तामि पूजिता स्तोत्रम उत्तमम् येन मंत्र प्रभावने, श्रुणु देवी प्रवक्तामि पूजिता स्तोत्रम उत्तमम् येन मंत्र प्रभावने, चंडी जाप से वर्तन कवचम नारगण स्तोत्रम प्रकरण रत्न सुकुना आप ध्यान चलना सुनते वाचन पूजिता, सिद्धि करवा दूंगा। धीरज है, धन का बरसात हो जाएगा आपके घर में, सुख का शांति का आयु का आरोग्य।